हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2019 का आपको ऑफिशियल नोटिस बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे थंबनेल में कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर लगा रखा है। तो जी दोस्तों, ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दिन में भी मैंने आपको इसकी पेपर की कटिंग बताई थी, दैनिक भास्कर की ऑफिशियल न्यूज़ बताई थी। उसके अलावा फिर मेरे को यहाँ पर एक ऑफिशियल जानकारी मिली, यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो फिर मैंने आपको बताना के लिए सोचा कि आपके लिए ऑफिशियल जानकारी दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। वो सोचते हैं कि ये पेपर की कटिंग तो फेक भी हो सकती है, पर जी दोस्तों नहीं, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कौन कौन यहाँ पर देख सकते हो बड़ी खबर, आज रात से किसी भी समय आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। यानी कि उन्होंने साफ कर रखा है इसमें कि 1 सितंबर से होगा ऑनलाइन आवेदन शुरू और 2 अक्टूबर को आपका वहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये बड़ी अपडेट आ रही है, तो चलिए पूरी खबर देख लेते हैं अपन। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि राजस्थान की कोई भी यदि वैकेंसी जारी होती है, रिजल्ट जारी होता है, तो सभी से संबंधित पूरी जानकारी हमारे चैनल द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया गया था। यहाँ पर किसने जारी किया है ये देख सकते हो, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। समय कित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया। कितनी तारीख को जारी किया गया? 29/8/2019 को। यानी कि ये अभी जारी किया गया है 29/8/2019 को। बड़ी खबर, क्या खबर है? राजस्थान सरकार निर्देशालय समेकित बाल विकास सेवाएं 2 जलपथ गांधीनगर जयपुर से ये जारी किया गया। उप निर्देशक महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त जयपुर। यहाँ पर क्या खबर है आगे देखिए, विषय देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कर्मियों को के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन करने के क्रम। तो यहाँ पर देख सकते हो आंगनबाड़ी के जो कार्मिक है वहाँ पर पद भरने हेतु यहाँ पर चयन करने के यहाँ पर क्रम दिया गया है। आगे क्या जानकारी है? उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देश किया जाता है कि परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सह शिशु पालना गृह कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी के जो पद रिक्त चल रहे हैं उन्हें भरने हेतु विभागीय परिपत्रों के अनुसार 1 सितंबर यानी कि आज। यहां पर देख सकते हो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, 1 सितंबर 2019 को विज्ञप्ति जारी करावे। तो आज किसी भी समय आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, यानी कि 12 बजे तक, या आज 12 बजे तक जारी नहीं होती है तो कल 2 सितंबर को 101% तक चांस है पूरा, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में खुद इन्होंने दिया है, ना कि मैं मेरी वर्जी से बता रहा हूँ आपको। जो ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है 1 सितंबर 2019, तो यहाँ पर वह मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर बड़ी अपडेट है, 2 अक्टूबर 2019 को आयोजित ग्राम सभाओं में मानदेय कर्मियों के चयन कराने हेतु तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से समन में स्थापित कर विकास अधिकारियों को निर्देशित करावे, ताकि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सके। तो यहाँ पर यह बड़ी अपडेट है जो कि आप देख सकते हो, बड़ी अपडेट आ रही है अभी हाल ही की। यहाँ पर ये देख सकते हो ऑफिशियल साइन वगैरह सब कुछ हो रहा है, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि यह फेक है। यदि आप चाहते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ बताना है तो वो भी अपन बता देंगे। यहाँ पर बिल्कुल ये ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड यहाँ पर देख सकते हो, एनालिस्ट क्रम प्रोग्राम को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। ये बड़ी अपडेट थी आपके लिए जो कि मैंने आपको बता दी है। यदि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे इस न्यूज़ का आगरा प्रयास करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए कि यहाँ पर आंगनबाड़ी में वैकेंसी निकलने वाली है। और इसमें आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, अभी इसमें ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है कि इसमें महिलाएं फॉर्म भरेगी या पुरुष फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट क्या होगी, कितनी वैकेंसियाँ आएगी, ऐसा भी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। पर अखबार में बताया गया था कि 15,023 पदों पर वैकेंसीज आएगी, क्योंकि इतने रिक्त पद चल रहे हैं और यहाँ पर बताया गया कि जितने भी रिक्त पद चल रहे हैं उन सभी पर वैकेंसी आएगी। तो आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे, कल जो भी न्यूज आएगी वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल दोबारा से इसी न्यूज को लेकर के कि आपकी वैकेंसी में कितने पद हैं, क्या योग्यता रखी गई है, एज लिमिट क्या है, सब कुछ जानकारी अपन देखेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।